ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जीवन धारा। कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को मैं स्मिता और मैं अमित, हमारा प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा में हम आपका स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज होगी पहले स्वास्थ्य चर्चा, इसके बाद एक गीत होगा और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र बाइबल का संदेश। तो चलिए स्वास्थ्य चर्चा सुनने से पहले सुनते हैं ये गीत। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। अपनी प्रीत प्रेम की तेरी यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। शान खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की यह शान खुद ही दाता खुद ही दान, पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय,
मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। मानसून में कभी एकदम से बारिश होकर गर्मी हो जाती है, तो कभी उमस भरी गर्मी सबके होश उड़ा देती है। इसके अलावा इस मौसम में कुछ ऐसे आम सेहत संबंधी समस्याएं होती हैं जिनकी ओर ध्यान ना देने से मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। बारिश के मौसम में कई तरह के इन्फेक्शन होने का भी खतरा बना रहता है। अक्सर बारिश के बाद ज्यादा देर तेज धूप में रहने से भी शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए सावधानियां रखना बेहद जरूरी हो जाता है ताकि आप मानसून में मौज करते हुए बीमारियों से बचे रहें। आम समस्याएं: हाइड्रेशन, हीट एग्जेक्शन, स्किन इन्फेक्शन और डायरिया इस मौसम की ही आम समस्याएं हैं। हालांकि इनको अगर समय रहते पहचान लिया जाए तो गंभीर रूप लेने से पहले ही आसानी से रोका जा सकता है। इसके अलावा अगर कभी रोज के जीवन में आपको टांगों की परेशानियां या ऐंठन या थकान या कमजोरी महसूस हो तो उसे अनदेखा ना करें। हाइड्रेशन, इसमें शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है जो कि इस मौसम की आम समस्या है। इससे आपको हीट एग्जाइन की समस्या भी हो सकती है। दरअसल इस मौसम में पसीने आदि के रूप में हमारे शरीर से रोजाना काफ़ी पानी निकलता हो रहता है, लेकिन ज़्यादा प्यास लगना, चक्कर आना, थकान व कमजोरी, पेशियों की ऐंठन और मुंह सूखना आदि हाइड्रेशन के लक्षण हैं। वहीं बच्चों में चिड़चिड़ापन, मुंह और जीभ सूखना, ताकत की कमी, कम बार या बिल्कुल टॉयलेट ना जाना, गालों, पेट या आंखों का धंसना, तेज बुखार और चुटकी काटने पर भी मांस का जल्द सामान्य ना होना आदि इसके लक्षण हैं। सावधानियां: मौसम के बदलाहट या धूप में ज्यादा देर रहने पर तरल लेते रहें। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाए रखने के लिए ताज़े फलों का जूस पिएं। उबालकर ठंडा किया हुआ पानी पीना ही ठीक रहता है। प्यास ना लगने पर भी थोड़े थोड़े देर में पानी पीते रहें। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। यदि आप पत्राचार द्वारा यीशु के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर या फिर स्वास्थ्य विषय पर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है वॉइस ऑफ प्रोफेसी, 11 हेली रोड, नई दिल्ली 110001, इंडिया। तो आइए पवित्र बाइबल से आत्मिक संदेश सुनने से पहले और एक गीत सुनते हैं। Thank you.
चरणी में तूने जन्म दिया, यीशु चरणी में तूने जन्म दिया, यीशु क्रूस पे हुआ बलिदान। प्रिय रेडियो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। मित्रों, शैतान संभवतः पाप में उसके पतन के पूर्व स्वर्गदूत कुमार या महादूत रहा होगा। वो अपने अधिकार तथा भूमिका से संतुष्ट नहीं था।
इसलिए उसने और अधिक लालच किया। यसहा 14 उसका 13 पद। हम ये बात अवश्य स्मरण रखना है कि शैतान निरंतर झूठ बोलने वाला है। यीशु ने शैतान के दावे का विरोध नहीं किया, न ही उसको ग्रहण किया, उसने उसे अनदेखा किया। शायद शैतान ने उसका दावा किया जो इसे आदम द्वारा, जो परमेश्वर के अधीन शासन करने के लिए नियुक्त किया गया था, प्राप्त किया। शायद उसका यह अभिप्राय था कि जब अदन में आदम ने पाप किया तथा शैतान के झूठ तथा नेतृत्व को स्वीकार किया तो पृथ्वी उसके हाथ में हो गई। आज वो लोगों के ऊपर इतना तक शासन करता है कि वे शैतान के सामने समर्पण करते तथा उसके पीछे चलते हैं। परमेश्वर अभी भी सारे विश्व में सर्व सामर्थी है तथा जब भी वो चाहे शैतान को सीमित कर सकता है। पृथ्वी और जो कुछ इसमें है यहोवा का है। शैतान के राज में आज गिरे हुए दूत और पापी आते हैं। प्रकाशित वाक 12:4 पद हमें बताता है कि दूतों को एक तिहाई दूत शैतान के मूल विद्रोह में उसका अनुसरण किए थे। ये दूत शैतान की इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए आज स्वतंत्र नहीं है, परंतु न्याय के दिन तक अंधेरे कुंडों में बंद है। यूनानी विचार में अंधेरा कुंड सबसे निचला नरक है, जहां परमेश्वर ने वहां पाए गए जीवों को दंड दिया है। उन दूतों के लिए जिन्होंने पाप किया क्षमा का प्रावधान नहीं है। कारण यह है वे मानव प्राणी से बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ हैं, अतः उनके लिए क्षमा कम है। वे आत्मिक जीव थे जिनकी भौतिक देह नहीं थी, अतः उन्हें मनुष्य के समान इंद्रिय संबंधी प्रलोभन में गिराया नहीं जा सकता है। उन्होंने पाप नहीं किया क्योंकि उनके पास एक पापपूर्ण स्वभाव था, जैसा कि पतन के समय से मनुष्यों के पास वो स्वभाव हो गया। स्वर्ग स्थानों में होने के कारण परमेश्वर का पूर्व ज्ञान बहुत था, इसलिए उनका पाप कम क्षमा योग था। शैतान बुरी आत्माओं पर भी, जिन्हें दुष्ट आत्मा कहते हैं, राज करता है, यानी कि गिरे हुए सरदूत फॉलन एंजल इन अशुद्ध आत्माओं बुरी आत्माओं के लिए प्रयुक्त शब्द दूत जो पाप किए थे उनके लिए प्रयुक्त ग्रीक शब्द से पूर्णता भिन्न है। आज स्वर्ग से गिराए हुए दूत संसार में सक्रिय है तथा शैतान की मुख्य प्रतिनिधि लगती है। वे जहां भी संभव है मनुष्यों में वास करती है। मरकुस 5:216, लूका 8:27-28 पद। यीशु तथा चेले यीशु द्वारा अधिकारी प्राप्त करके लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल देते थे। परमेश्वर अभी भी दुष्ट आत्माओं के वास करने नियंत्रण तथा अधिकार से छुटकारा दे सकता है। परमेश्वर ने इनको पापपूर्ण नहीं बनाया, इसलिए शायद कभी इन्होंने विद्रोह नहीं किया होगा। शायद शैतान के पतन के समय या शायद किसी और समय में, जिसका बाइबल में वर्णन नहीं है, वे जानते हैं कि उनका अंत क्या होगा। वे संसार से संबंधित दिखाई देते हैं तथा शैतान के अधीन है। उनकी संख्या बहुत अधिक होगी। मरकुस 5:9,
चूंकि शैतान केवल एक बार में एक ही जगह पर हो सकता है, चूंकि गिरे हुए दूत उनके उनके उनका काम करता है। मेरे मित्रों, हम बाइबल में देखते हैं कि ये दूत जो स्वर्ग से गिराए गए हैं, वे आज पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। हम देखते हैं कि आक्रमण करना तथा लोगों को मानसिक, नैतिक तथा शारीरिक रूप से दुख पहुंचाना उनका काम है। मती 12:22, मरकुस 5:1-5 सिखाते हैं कि हमें इनसे दूर रहना चाहिए। हम देखते हैं कि ये दूत धोखा देने वाली है। वे झूठी शिक्षा, झूठी भविष्यवाणी करने के लिए लोगों को प्रभावित करती है। 1 यूहन्ना 4:1-2 वे भविष्य बताने वाले सारे प्रयासों के स्रोत हैं। विभिन्न श्रेणियों के गिरे हुए दूत जहां तक हो सके संस्कार की संस्कृति व्यवस्थाओं का प्रवर्तित करने के लिए आयोजन की गई है। बाइबल हमें बताती है कि आज पूरे संसार में इन गिरे हुए दूतों का राज है। जब मसीह पृथ्वी पर था तो महान दुष्ट आत्माओं की गतिविधियां कार्यरत थी, क्योंकि शैतान हर संभव रूप से यीशु को हराना चाहता था। जब सुसमाचार नए क्षेत्रों में प्रचार किया जाता है, जहां लोग लंबे समय से मूर्ति पूजा, झूठे विश्वास, प्रेत विद्या में पाए जाते हैं, वही दुष्ट आत्माओं द्वारा विरोध तथा गतिविधि के कई प्रमाण मिलते हैं। यीशु तथा उनके नाम के अधिकार से मसीह उन्हें डांट सकते हैं, उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। यीशु के पास सारे के सारे अधिकार हैं तथा दुष्ट आत्माओं को आज्ञाएं माननी है। शैतान धोखा भी देता है, अपना सदस्य भी बनाता है, पापी लोगों को अपना दास बना लेता है। वो पापियों को पिता है, वो विश्वासियों की आंखों को बंद कर देता है। सुसमाचारों के बीज तथा लोगों के हृदय में बोए गए सत्य को छीन लेता है तथा फंसाता पापियों को अपने कैद में गुलाम कर लेता है। 2 तिमोथी 2:26 मेरे मित्रों, क्या आप शैतान से परेशान हैं, उदास हैं, निराश हैं? तो आपको प्रभु यीशु मसीह ही बचा सकता है। तो आइए हमारे साथ प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आज अपने सुनने वाले श्रोताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके बंधनों को तो तोड़, उनकी करीबा शैतान के हर एक हमले से तू उन्हें बचा कर रख और उन्हें एक नया जीवन दे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप हमें इस नंबर पर कभी भी किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, फोन करवा सकते हैं। मेरा नंबर है 9689231702 9689231702। मेरी ईमेल एड्रेस है morris@gmail.com morris@gmail.com। आप हमारे कार्यक्रम को ऑनलाइन में भी सुन सकते हैं। हमारा पता है AWR Hindi Asia। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।
पर भी शुक्र का करना, हम पर भी शुक्र का करना, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान, तू ही कृष्णा, श्रोताओ हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें अवश्य लिखिए, हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। पता एक बार फिर नोट कर ले, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। और अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इसी मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए मैं स्मिता और मैं अमित, हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।